चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज देश भर के कई राज्यों के किसान अपना घर बार और खेत छोड़कर दिल्ली की सरहदों पर पहुंच चुके हैं। सितंबर 2020 में भारत सरकार ने 3 नए कृषि कानून पारित किए। विडंबना यह है कि इन कानूनों को तैयार करते समय किसी किसान यूनियन या किसान संगठनों से सलाह नहीं ली गई। देश के अब कई कोनों में इन कानूनों का भारी विरोध शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी का दावा है कि ये नए कृषि कानून परिवर्तनवादी हैं और ये किसान और कृषि की स्थिति में अत्यंत सुधार लाएंगे। प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि नए कृषि कानून किसानों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। कल देश की संसद ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही ऐतिहासिक कानूनों को पारित किया है। फिर किसान इतनी दृढ़ निश्चय के साथ इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए देखते हैं कि इन कानूनों को किसान काले कानून क्यों बुला रहे हैं। पहले कानून के तहत सरकार का दावा है कि किसान एपीएमसी या मंडियों के बाहर भी अपने उत्पादन बेच सकता है। इस कानून से सरकार ने निजी कंपनियों को मंडी से बाहर अपना खरीद केंद्र खोलने, अपनी निजी मंडी बनाने या देश भर में कहीं के भी किसान से सीधा खरीद करने की छूट दे दी है। इसके साथ ही खरीद बिक्री पर टैक्स पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। कंपनियों को कहीं से भी खरीदी गई उपज को देश के किसी भी कोने में बेरोक टोक बेचने का अधिकार भी दे दिया गया है। कई राज्यों में एपीएमसी और मंडियां सबसे सीमांत छोटे और मध्यम किसानों के लिए जीवन रेखा है। इस कानून के तहत किसानों को डर है कि एपीएमसी या मंडियां बर्बाद हो सकती हैं। आढ़ती और सरकारी मंडियों को बर्बाद करने के लिए बड़े पूंजीपति पहले 1-2 साल तो किसानों को फसल के अच्छे दाम देंगे, ठीक उसी तरह जैसे रिलायंस ने जियो लॉन्च करने के लिए पहले 1 साल के लिए फोन में मुफ्त डेटा देकर बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। अब जब बाजार में उसके सामने प्रतिद्वंदी कम बचे हैं तो उसने डेटा का दाम बढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब महंगे डेटा के साथ साथ अब ग्राहक के पास चुनने की क्षमता भी खत्म। ठीक उसी तरह मंडियों की भी कुछ बीएसएनएल की हालत होगी और किसानों के फोन के ग्राहक की। बड़े पूंजीपति पहले 1-2 साल किसानों को अच्छे दाम देने के बाद अपने प्रतिद्वंदी यानी सरकारी मंडी और आढ़तियों को खत्म कर देंगे। बाद में किसानों को पूंजीपतियों की इन निजी मंडियों में बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। किसान अपनी फसल सस्ते से सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हो जाएगा। और वहीं आज भी एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्यों का कानून लिखित में नहीं है। साथ में ज्यादातर फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार नहीं देती है। ऐसे में किसान निजी मंडियों के सामने और भी कमजोर हो जाएगा। सरकार दावा कर रही है कि नए कानूनों से किसान मंडी के बंधन से मुक्त हो जाएगा। ये दावा सरासर झूठा है। स्वामीनाथन कमीशन के सुझाव के मुताबिक देश के हर 80 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी होनी चाहिए, जबकि आज देश के हर 496 वर्ग किलोमीटर में एक मंडी है। किसान मंडियों को बढ़ाने की मांग लंबे समय से कर रहा है। देश की कुल कृषि उपज का केवल 6% मंडियों में जाता है, बाकी का 94% खुले बाजार में ही बिकता है। अगर मंडियों में फसल बेचना किसानों के लिए घाटे का सौदा है तो मंडियों में उपज ना बेचने वाले 94% किसान तो खुशहाल होने चाहिए थे। लेकिन क्या ऐसा है? सच्चाई इससे ठीक उलट है। जहां मंडी की व्यवस्था अच्छी नहीं है वहां का किसान सबसे ज्यादा बदहाल है। उदाहरण के तहत बिहार ने 2006 में अपने एपीएमसी एक्ट में मंडियों को खत्म कर दिया। इस कदम से बिहार के किसानों और खेती पर डरावना प्रभाव पड़ा। धान किसानों को अपना अनाज खुले बाजार में बहुत ही कम कीमतों पर बेचना पड़ा। धान जिसकी एमएसपी 1,886 रुपए है वही बिहार में 900 से 1,000 रुपए मतलब एमएसपी से आधे से भी कम दाम में किसानों को धान बेचनी पड़ी। मंडियों को खत्म करने के बाद आज बिहार का वही किसान पंजाब और हरियाणा में मजदूरी करने के लिए मजबूर है। सरकार का ये दावा भी झूठा है कि पुराने मंडी कानून में किसान अपनी फसल मंडी या राज्य से बाहर नहीं बेच सकता था। पुराने कानून में किसान पर इस तरह की कोई बंदिश नहीं थी। हाँ, व्यापारियों पर देश में किसी भी राज्य के किसानों से औने पौने दाम पर फसल खरीदने की पाबंदी जरूर थी, लेकिन
नए मंडी कानून में केंद्र सरकार ने व्यापारियों और कंपनियों को किसी भी राज्य में किसी भी दाम पर बिना लाइसेंस लिए और बिना टैक्स दिए फसल खरीदने की छूट देकर केवल बड़े पूंजीपतियों का फायदा किया है। किसानों का इसमें नुकसान ही नुकसान है। सरकार का एक और झूठ देखिए कैसे रंगे हाथों पकड़ा गया। जैसे ही नए कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, वहीं सरकार ने यह दावा किया कि मंडियां बंद नहीं होंगी। लेकिन 11 नवंबर 2019 को नाबार्ड के सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीधा सीधा कहा कि अब मंडियों की उम्र पूरी हो चुकी है, अब उन्हें खत्म हो जाना चाहिए। टुगेदर विद दिस वी आर आल्सो मेकिंग श्योर दैट द स्टेट्स आर कजोल्ड टू रिजेक्ट द agricultural price marketing APMC, which has become it served its purpose at one time, there's no doubt, but today there are very many difficulties associated with the agricultural price marketing agricultural produce marketing committees, which at every state level has become not so efficient in helping the farmers find better price for his produce. गौर कीजिए कि ये बात उन्होंने किसानों की पंचायत में नहीं कही, बल्कि बड़े पूंजीपतियों के सामने कही। वास्तव में किसान एपीएमसी के भीतर सुधार चाहते हैं, इसकी मांग कई बार उठी है। ये सच है कि एपीएमसी में कई दिक्कतें हैं। वे एपीएमसी में भ्रष्टाचार से सुरक्षा चाहते हैं और उनकी संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एपीएमसी को कतई खत्म होते हुए नहीं देखना चाहते। इसी तरह दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट खेती या ठेका खेती के लिए दरवाजे खोलता है, जहां व्यापारी बिना किसी नियामक तंत्र के सीधा किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इस कानून में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं। एक है व्यापार करार, इसमें किसान फसल या पशु का मालिक होगा। फसल के बोने से पहले ही किसान और खरीददार के बीच फसल की मात्रा, फसल की गुणवत्ता और भाव के बारे में समझौता हो जाएगा। पशु के बारे में भी ऐसा ही होगा। दूसरा है उत्पाद करार। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में किसान का अपनी फसल या पशु पर कोई अधिकार नहीं होगा, वे केवल इसको तैयार करने वाले मजदूर का काम करेगा। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई किसान पेप्सिको कंपनी के साथ आलू की पैदावार का करार करता है। किसान जो आलू पैदा करेगा उस पर किसान का कोई हक नहीं होगा। इस फसल के लिए खाद, बीज, कीटनाशक आदि जैसे तमाम लागत पेप्सिको कंपनी या इसकी सहयोगी कंपनियां ही देंगी। इन दोनों करारों में किसानों के लिए एक बड़ी आफत यह है कि फसल की गुणवत्ता कौन तय करेगा और किस पैमाने पर करेगा। ये काम खरीददार कंपनी ही करती है, और जिस पैमाने पर करती है उसे समझना किसान तो क्या, कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत मुश्किल है। हम मंडियों में भी गुणवत्ता के बारे में किसान को छला जाते हुए देखते हैं। आढ़ती धान हथेली पर रखकर किसानों से कहते हैं कि इसमें नमी ज्यादा है, इसमें चमक कम है, ये तो डाउनग्रेड है, रेट कम लगेगा। पता नहीं इनके हाथों में कौन सा मीटर होता है। जब छोटे छोटे आढ़ती जिनसे किसानों का रोज का वास्ता है, वे उसे गुणवत्ता के चक्कर में फंसाए रखते हैं, तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि बड़ी कंपनियां किसानों को कैसा नाचना चाहेंगी। केवल धान की गुणवत्ता तय करने के पैमाने पर एक पूरी किताब है। सीधी बात यह है कि कंपनियों या बड़े कॉरपोरेट को खुली छूट है कि वो करार में तो 100 का भाव तय करें और गुणवत्ता खराब बताकर 2 का भी भाव ना दें। अगर कंपनी एन वक्त पर किसान की फसल खरीदने से इनकार कर दे या करार से जुड़ा उसका कोई दूसरा विवाद हो, तो उसका निपटारा कैसे होगा। ठेका खेती के इस नए कानून में सरकार ने साफ साफ लिखा है कि किसान और कंपनी के बीच करार हो जाने के बाद इस पर राज्य सरकार का कोई कानून लागू नहीं होता। यहां तक कि इसके बीच के विवाद में देश की किसी अदालत को भी हस्तक्षेप करने का हक नहीं होगा। इसका मतलब इन नए कानूनों ने किसानों से अदालत जाने का अधिकार भी छीन लिया है। ऐसे विवाद निपटारे के लिए एक सुलह बोर्ड बनाया जाएगा। अगर सुलह बोर्ड फैसला नहीं कर पाता है तो SDM सुलह करवाने की कोशिश करेगा। अगर SDM भी असफल रहा तो DM फैसला करेगा। आप कल्पना कीजिए कि एक तरफ लाखों रुपए की फीस लेने वाले बड़ी कंपनियों के वकील खड़े होंगे, तो दूसरी तरफ छोटे किसान जिनके लिए कई बार 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल पड़ जाती है, वो लाखों की फीस वाले वकील का मुकाबला कैसे करेंगे। ऐसे SDM और DM अधिकारी जो इलाके के दबंगों और नेताओं के आगे नतमस्तक रहते हैं, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है
कि वे मोदी और अमित शाह के साथ रोज फोटो खिंचवाने वाले बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ कोई फैसला दे देंगे? इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की मशक्कत के बाद भी आज तक उन पूंजीपतियों के नाम सार्वजनिक नहीं हो पाए जिन्होंने बैंकों के हजारों करोड़ों रुपए मार रखे हैं। ऐसे में डीएम और एसडीएम अधिकारी अडानी अंबानी जैसे शीर्ष पूंजीपतियों के खिलाफ फैसला दे देंगे, यह सोचना निरी मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। तीसरा कानून 1955 में बने एक कानून में फेरबदल करके बनाया गया है। इसमें आलू, दलहन, तिलहन और प्याज जैसी भोजन की अनिवार्य चीजों को आवश्यक वस्तुओं में रखा गया था और किसी को भी इसकी जमाखोरी और कालाबाजारी करने की इजाजत नहीं थी। नए कानून के तहत अब इन्हें आवश्यक वस्तुओं के दायरे से निकाल दिया गया है और जमाखोरी करने की छूट दे दी गई है। केवल युद्ध या आपदा जैसे हालात में ही सरकार इन्हें जमाखोरी पर रोक लगा सकती है। 1955 में जब जमाखोरी के खिलाफ ये कानून बनाया गया था तो इसका मकसद था महंगाई पर लगाम लगाना ताकि देश के मजदूरों को सस्ते दाम पर भोजन का इंतजाम किया जा सके और देश का विकास हो सके। अंग्रेजी राज के तजुर्बे से सरकार ने देखा था कि व्यापार और कंपनियां रोजमर्रा के भोजन के लिए जरूरी चीजों की जमाखोरी करके नकली तरीकों से बाजार में उनकी कमी पैदा कर देती थी और फिर इनके दाम बढ़ा देती थी। ऐसा भी होता था कि व्यापारी अनाजों की जमाखोरी करके उसे दूसरे देशों में महंगे दामों पर बेच देते थे और देश में अनाज का अकाल पड़ जाता था। बंगाल का अकाल इसी तरह की कालाबाजारी का नतीजा था। आज की कंपनियां उस समय के व्यापारियों और कंपनियों से सैकड़ों गुना बड़ी और ताकतवर है। देश के चोटी के पूंजीपति आज इस धंधे में घुस चुके हैं। अडानी जैसे बड़े पूंजीपति अनाज के भंडार के लिए पंजाब में बड़ी मात्रा में साइलो भी तैयार कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि पहले दो कानूनों के तहत अब बड़े पूंजीपति सस्ते दामों में गेहूं, चावल, तिलहन, दलहन जैसी फसलों को भारी मात्रा में खरीद सकते हैं, इसके लिए उन्हें छूट मिल गई है। और तीसरे कानून के तहत अब इन फसलों की जमाखोरी करने की भी छूट मिल गई है। अगर इन्हें इन फसलों का विदेशों में ज्यादा महंगा दाम मिलेगा, लाजमी तौर में ये उन्हें वहीं बेचेंगे। इससे देश में अनाज महंगा होगा जिसकी कीमत जनता चुकाएगी। इसी तरह अगर इसका उल्टा भी हो, यानी अगर इन्हें विदेशों में सस्ता अनाज मिलता है तो वहां से भारी मात्रा में आयात करके देश में अनाजों के दाम गिरा देंगे और किसानों को अपनी फसल बहुत ही सस्ते दामों पर बेचने पर मजबूर कर देंगे। किसान और छोटे व्यापारियों से लेकर ग्राहक तक सब इन बड़े पूंजीपति घरानों के भरोसे होंगे। अनाज के उत्पाद से लेकर उसकी बिक्री तक सब बड़े पूंजीपतियों के रहमो करम पर रह जाएंगे। कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान जब पूरे देश के लोगों को घर बैठने के लिए कहा गया था, तब सिर्फ किसान को खेतों में जाने के लिए कहा था ताकि देश भूखा ना रह जाए। लेकिन आज उन्हीं किसानों से उनके मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। किसान हमारा अन्नदाता है। जिस देश का किसान भूखा सोएगा, वहां आज नहीं तो कल उस देश के हर व्यक्ति की वही हालत होगी।